और यह राजनीतिक परियोजना मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर टिकी हुई है। और इसको जनसंख्या कानून से जोड़कर देखिए, मुख्यमंत्री ने जो मंदिरों के 5 किलोमीटर के आसपास मांस खाने को लेकर प्रतिबंध लागू किया है, उसको लेकर देखिए, माई लैंड माई राइट अभी जो कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया है उसको लेकर देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ही आप इस घटना को देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का वहां पर पोलिंग स्टेशन रहता रहा और लोग वहां पर उसी गांव में वोट डालते रहे। रातों रात वो अचानक जो है अतिक्रमण बताया जाने लगा, कब्जा बताया जाने लगा। वो लोग जो 1965 से रह रहे थे, कहा गया कि ये लोग जो है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी चीजें हैं, और उनको सुबह सुबह बुलडोज कर दिया। पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी, और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे, तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किए और मारा। चीफ मिनिस्टर ने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बात कही कि उनमें से कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है, वो सारे के सारे हमारे देश के नागरिक हैं और हम उनको कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। तो वो ये तो कह रहे थे कि वो इंक्रोचर्स हैं, उन्होंने सरकार की जमीन पे कब्जा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही, क्लियर कट ये बात कही कि उनमें से कोई भी आदमी बांग्लादेशी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, खुद चीफ मिनिस्टर भी उसको, एटलीस्ट उन्होंने हमारे सामने तो ये बात कही, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता और मीडिया के सामने भी ये बात खुल कर देंगे। तो एक नया तरीका निकाला गया है जिससे आप मुसलमानों को बेघर करें, जिससे वे असम के शहरों में हजारों की संख्या में भटकते हुए दिखाई पड़े। असम में इविक्शन की पॉलिटिक्स और जमीन की राजनीति, इनके संदर्भ में ही इस घटना को भी देखना होगा। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, 2013-14 में आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब अपना चुनाव अभियान शुरू किया था तो असम और बिहार के सीमांचल इलाकों में उन्होंने यह कहा था कि असम में गैंडों के रहने की जगह पर घुसपैठिए आकर बस गए, और हम उन सारे घुसपैठियों को निकालेंगे ताकि गैंडों की जगह बन सके। पिछली सरकार में काजीरंगा इलाके में और दूसरी जगह अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों को बड़े पैमाने पर उजाड़ा गया, और अब यह एक नया सिलसिला चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 मौतें हुई, 3 मौतें हुई, 3 कई लोग जख्मी हुए। कई अतिक्रमण हमने देखे हैं भारत में कई जगह, अभी अरावली में भी आपने देखा। जब इस तरह की हिंसा की घटना होती है तो आम तौर पर सरकार अफसोस जाहिर करती है, आम तौर पर रुकती है, लेकिन इसके बाद जो पहला बयान मुख्यमंत्री का आया वो यह था कि हम तो जारी रखेंगे और हमें जनता का समर्थन प्राप्त। मुझे नहीं पता कि कहीं भी कोई सरकार जनता के समर्थन से अतिक्रमण हटाती है। वो या तो गैरकानूनी होगा इसलिए हटाएगी, गलत होगा इसलिए हटाएगी, यह कहकर कि जनता का समर्थन प्राप्त है इसलिए हम इसे करेंगे ही। और फिर असम मीडिया में और वहां जिस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं उनसे बहुत स्पष्ट है यह कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, यह बड़ी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है, और यह राजनीतिक परियोजना मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर टिकी हुई है। और इसको जनसंख्या कानून से जोड़कर देखिए, मुख्यमंत्री ने जो मंदिरों के 5 किलोमीटर के आसपास मांस खाने को लेकर प्रतिबंध लागू किया है उसको लेकर देखिए, माई लैंड माई राइट अभी जो कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया है उसको लेकर देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ही आप इस घटना को देख सकते हैं। 21 तारीख को जो घटना हुई आसाम में, वो गुवाहाटी जो आसाम की का मेन कैपिटल है, दिसपुर जो आसाम की राजधानी है, वहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे के डिस्टेंस में दरांग ज़िले में सिपेझार नाम का एक कस्बा है। सिपेझार कस्बे से जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे उस कस्बे से, तो वहाँ से तकरीबन
20 से 25 मिनट का एक अंदर गांव का ड्राइव है। जब आप उस गांव में पहुंचेंगे तो फिर वहां पर एक आपको नदी मिलेगी, वो नदी आप क्रॉस करेंगे। वो नदी क्रॉस करने के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस तय कर लेंगे तो वो धौलपुर इलाका है। उस धौलपुर इलाके में सरकार ने एडिक्शन ड्राइव शुरू करी, जिसके जिस ड्राइव के नतीजे में बाद में माइक्रो में बात करेंगे। वहाँ से लोगों को एकदम हटाया गया, उनको ये कहा गया कि ये सरकारी इंक्रोचमेंट है और उन पर गोलियाँ चलाई गई, जिस पर 3 लोगों की जाने गईं और तकरीबन 12 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 9 लोगों का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज चला। उसके बाद 2 दिनों के भीतर उन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर आप जाएं वहाँ पर तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स और जेसीबी चला दी इस तरह से चलाई गई है कि आपको कोई नामो निशान नहीं लगेगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा भी करते थे। और हम में से जो दिल्ली बम्बई या जो बड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, अगर हम में से कोई लाखों रुपए महीना भी किसी को दिया जाए तो वो कोई उस इलाके में रहने को तैयार ही नहीं होगा जहाँ पर पहले आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर चलना पड़े, पैदल चलना पड़े, फिर नाव से क्रॉस करना पड़े, फिर दूसरी नदी आपको पैदल क्रॉस करना पड़े। इट्स लाइक अ ओपन जेल, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और वो लोग जो लोग 1965 से 1965 से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। और हम सब को पता है कि आसाम में जो ब्रह्मपुत्र का 4 एरिया है, जो रिवर बेड है, जिस तरह से ब्रह्मपुत्र अपना फ्लो चेंज करती है, अपनी धारा बदलती है, तो उस तरह से कई इलाके ऐसे हैं जो 4 के इलाके कभी नदी में रहते हैं, कभी नदी 4 के इलाके नदी में बदल जाते हैं, कभी नदी के इलाके 4 में बदल जाते हैं। और वो पूरी एक बेल्ट है जो धुबरी और ग्वालपाड़ा से लेकर अपर आसाम तक जाती है, जिसके किनारे एक बस्तियाँ हैं लोगों के और लोग रह रहे हैं। 1965 से लोग धौलपुर के उस इलाके में रह रहे हैं। धौलपुर 1, धौलपुर 2 एंड धौलपुर 3, ये 3 इलाके हैं। धौलपुर 1 से एविक्शन हुआ है जहां पर ये गोली चली और लोग मारे गए। धौलपुर 2 में नोटिसेज हैं और धौलपुर 3 में भी नोटिसेज हैं। ये वो इलाके हैं जिनमें 1965 से लोग रह रहे हैं। 1970 से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, उनके पास सरकार के आधार कार्ड हैं। धौलपुर 1 में, जहाँ की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, खेत मिलेगा, लेकिन एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग उस स्कूल की है जो तकरीबन 1980 से वहाँ पर मौजूद है। और 1980 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का वहाँ पर पोलिंग स्टेशन रहता रहा और लोग वहाँ पर उसी गांव में वोट डालते रहे। रातों रात वो अचानक जो है अतिक्रमण बताया जाने लगा, कब्जा बताया जाने लगा। वो लोग जो 1965 से रह रहे थे, कहा गया कि ये लोग जो है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, और उनको सुबह सुबह बुलडोज कर दिया गया। उसकी भी बात ये है कि उन 10 तारीख को नोटिसेस इशू हुई। जब हमने नोटिसेस पढ़ा, जब हम अपनी रिपोर्ट रिलीज करेंगे, उस रिपोर्ट में नोटिसेस की भी कॉपी है। 10 तारीख को नोटिस इशू किए गए, लेकिन किसी को भी नोटिस डिलीवर नहीं किए गए। नोटिस डिलीवर किए गए 19 की रात में 8 बजे, और उसमें लिखा था कि 20 तारीख तक इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह तक खाली कर देना चाहिए। सुबह जब हमारे फेमस चीफ मिनिस्टर के भाई एसपी तरांग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि आपके ऊपर हम गोलियां चला देंगे, स्ट्रेट गोलियां चलाएंगे, आपको इस इलाके को खाली करना होगा। जिसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हिंसा नहीं हो, हम ये इलाका खाली कर देते हैं। उसके बाद लोग वापस आए, आई विटनेसेस हैं, टेस्टमनीज हैं, रिपोर्ट में भी आपको टेस्टमनीज मिलेंगी। लोगों ने कहा कि हम अपने बांस उठा रहे थे। मोइनुल हक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोइनुल हक ने, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जाहिर सी बात है कि कोई डंडा लेकर अगर AK-47 राइफल के सामने दौड़ता आया है तो या तो वो पागल होगा या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। तब हमने वहाँ के उसके घर वालों से, उसके गांव के लोगों से पूछा कि इतना ओवर इमोशनल आदमी कोई कैसे हो सकता है जो कि AK-47 के सामने डंडा लेकर आए। तो लोगों ने बताया कि
वो आगे की तरफ अपना सामान उठा रहा था और पीछे से पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी, और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे, तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किया और मार डाला। एक तो ये पार्ट हो गया कि पुलिस की भी अगर हम थ्योरी मान लें कि पुलिस की थ्योरी सही है, तो एक बार कि 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को क्यों मिला। उसके बाद अगर हम दूसरी बात उनकी मान लें कि उसने डंडा लेकर अटैक करना चाहा, तो चेस्ट इंजरी नहीं होनी चाहिए थी, लेग इंजरी होनी चाहिए, बुलेट पैरों में लगनी चाहिए, रबर बुलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, डंडे की जगह डंडे लाठी चार्ज का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सीधे फायरिंग करी गई। वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि जो साउंड है वीडियोस में, वो साउंड ये नहीं बता रहा कि सिर्फ 5 लोग फायर कर रहे हैं, बल्कि साउंड उससे ज्यादा है, तो उससे लगता है कि जो 27 पुलिस वाले वहां मौजूद थे वो लगातार सब फायरिंग कर रहे थे। 19 लोग वो हैं जो सामने निकल कर आए कि हमको बुलेट लगी है, जिनमें से 9 लोग मेडिकल कॉलेज वहां पर एडमिट थे। अब इन मेडिकल कॉलेज में जो लोग थे वो 21 तारीख को 21 सितंबर में मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 27 को मेडिकल कॉलेज का विजिट किया, तो पता चला कि 27 में उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बुलेट इंजरी बुलेट उनकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। वहां पर एक महिला मौजूद है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक बच्चा है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक पुरुष है जिसकी टांग में 3 गोलियां लगी हैं। 27 तारीख तक उनका कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन करके बुलेट रिमूव नहीं करी गई। 27 को जो हमने कई अधिकारियों से बात करी, कई लोगों से बात करी, तो उन 3 लोगों की गोलियां निकाली गई, 3 की 28 तारीख को निकाली गई। लेकिन सरप्राइजिंगली एक काम और हुआ कि 4 महमूद जो सन ऑफ फजल अली है, 13 साल का बच्चा है, नहीं सॉरी 17 साल का बच्चा है, वो 17 साल के बच्चे को बुलेट यहां से कंधे से छीनती हुई निकल गई। और एक दूसरा आदमी है जो है असमत अली और एक सरफुद्दीन, ये 3 लोग ऐसे हैं वहां पर जिनके बुलेट अंदर नहीं गई थी बॉडी में, बल्कि बुलेट छीनते हुए साइड से निकल गई थी। तो 27 तारीख को पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि मोइनुल हक जो आदमी जिसको मारा गया, उसके बेटे अशरफुल हक को पुलिस ने बोला हुआ है कि रोज उसको सिपाहीहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर होना है। तो शाम के 7 बजे वो जिसका बाप मारा गया है वो रोज एफआईआर होता है, लोगों से पता उनसे पूछा जाता है कि तुमने किस जर्नलिस्ट से बात करी, किस मीडिया वाले से बात करी और किस एक्टिविस्ट से बात करी। जहां तक मीडिया का एक सेक्शन या एक वर्ग ये कह रहा है कि पुलिस पे हमला हुआ तो मोइनुल हक का डंडा हमने देख लिया, आखिरी बात मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि जो 13 साल का बच्चा जिसके गोली लगी गर्दन पर और वो अपना आधार कार्ड लेने के लिए गया था और आधार कार्ड लेकर वापस आ रहा था, उसको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें आधार कार्ड सबमिट करना कंपलसरी था, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बना था उसको लेकर आ रहा था, तो उसको उस भीड़ में उसको पुलिस ने गोली मारी। तो 13 साल का बच्चा कभी रेजिस्ट नहीं करता है, उसकी इमेजेस देख के भी आपको लगेगा। और उसके फादर और मदर उस दिन से बेड पे हैं जिनका इलाज चल रहा है कि वो उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जिस वक्त ये घटना घटी उसके बाद 26 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली से वहां पहुंचा और उसके 2-3 दिन बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम भी वहां गई। तो वहां जाने के बाद पहले दिन तो हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से, उसके बाद एसपी गारंग से जो कुछ चीफ मिनिस्टर के छोटे भाई हैं, और उसके बाद आखिर में कुछ चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की। तो उसमें जो कुछ इशू हुआ था उसको उठाया गया। एक बात जो बहुत स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि उस घटना पर वो खेद तो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पुलिस पे एक्शन के सिलसिले में कोई बात कर रहे हैं। वो फोटो जर्नलिस्ट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी पुलिस के रोल पर बात की गई तो यही बात कही गई कि नहीं देखिए पुलिस ने तो सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की। और बार बार वो ये बात करते रहे कि कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को भड़काया और उसकी वजह से ये सारी घटना हुई। और हम कंटिन्यूस उनको ये पूछते रहे
कि लोगों ने भड़काया, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को किसने भड़काया कि वो अनआर्म्ड सिविलियंस पर, निहत्ते लोगों पर गोली चलाए? इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। शुरू में जो मुलाकात एसपी साहब से हुई या डिप्टी कमिश्नर से हुई, वो कंटिन्यूस ये कहते रहे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारा प्रश्न यही था कि जब सिचुएशन नॉर्मल है तो 144 क्यों लगाया है, क्यों नहीं जाने देना चाह रहे? तो बस उनका कहना था कि आप जाएंगे तो हम अरेस्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये कहा कि ठीक है आप लोग जाइए विजिट कीजिए। उन्होंने जो बातें की उसमें सारी चीज़ें तो वही थी जो एक पॉलिटिशियन करता है, लेकिन दो चीज़ें बहुत अहम हमको लगी और हम उसको हाईलाइट करेंगे। एक बात तो ये कि चीफ मिनिस्टर ने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बात कही कि उनमें से कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है, वो सारे के सारे हमारे देश के नागरिक हैं और हम उनको कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। तो वो ये तो कह रहे थे कि वो इंक्रोचर्स हैं, उन्होंने सरकार की ज़मीन पे कब्जा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही, क्लियर कट ये बात कही कि उनमें से कोई भी आदमी बांग्लादेशी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोपोगंडा है, खुद चीफ मिनिस्टर भी उसको, एटलीस्ट उन्होंने हमारे सामने तो ये बात कही और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता और मीडिया के सामने भी ये बात खुल कर देंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण हमको लगी वो ये है कि फोटो जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हुए, इससे पहले कि हम लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म या इस सिलसिले में कोई सवाल करते हैं, और हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहना शुरू किया कि देखिए इस घटना का और ये जो सारा चीज़ें हुई है फोटो जर्नलिस्ट की तरफ से, इसका हमारी विचारधारा से, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और हम समझते हैं कि जब वो खुद आगे बढ़कर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस रेडिकलाइजेशन को वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बंगाली मुसलमान के खिलाफ जो नफरत का वातावरण है वो इस हद तक चला गया है कि लोग ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। ये जो चीज़ें नदीम भाई ने कही हैं, तो हमारी टीम भी 27 को वहाँ जिस वक्त पहुँची थी, तो वही हुआ कि एक लिमिट के आगे आप कार लेकर जा नहीं सकते, फिर आप बोट से अंदर जाएंगे। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे, एक छोटा सा मेडिकल कैंप लगा हुआ था, हम अपने साथ कुछ फार्मासिस्ट लेकर गए थे और उन्होंने कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का और कुछ ऐसे काम किए, और उसके बाद हम लोग अलग अलग लोगों से मिले। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो समझ में आई वो ये कि जिस वक्त हम मोहिनुल हक के घर पहुँचे तो उनकी डेथ को तकरीबन 3 दिन हो गए थे या 5 दिन हो गए थे। तो वहाँ एक ट्रेडिशन है बंगाल में जिसको वो लोग मुछाविर खाना या फकीर खाना कहते हैं। उसमें होता ये है कि किसी की अगर डेथ हो जाए तो उसके घर वाले गरीब लोगों को जमा करके उसकी ओर से खाना खिलाते हैं, दान करते हैं। तो आप देखें कि वो फैमिली जिसने अपने बेटे को खोया, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल वो खुले आसमान के नीचे रह रहे, लेकिन उसमें भी वो लोग आगे आए और उन्होंने उस इलाके के, खुद बहुत गरीब हैं लेकिन अपने से ज़्यादा गरीब लोगों को जमा किया और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको खाना खिला रहे थे। शेख फरीद के घर भी जाना हुआ, वहाँ भी यही चीज़ देखने मिली। शेख फरीद अपने घर में सबसे छोटे हैं और जो बात नदीम भाई ने कही वो बिल्कुल वहाँ से लेकर वो वापस आ रहे थे और उनको भी जो है वो गोली मार दी गई। इसके बाद वहाँ स्कूल्स हैं लेकिन स्कूल्स के साथ आप देखेंगे कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, रोड्स का इंतज़ाम नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी वगैरह वहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट खुद रिलीफ का भी कोई काम वहाँ पर नहीं कर रही है और एक्सप्लिसिटली उन्होंने हमसे तो ये कहा कि आप लोग चूँकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस होगा, तो आप लोग जाके रिलीफ का काम कीजिए। तो हम समझते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जिसके जरिए से जो अत्याचार किया वो तो किया है, अब वो खुद अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना नहीं चाह रहे हैं कि हम कोई रिलीफ की एक्टिविटी करेंगे। तो ओवरऑल जो परिस्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बात नदीम भाई ने कही मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि अगर हमको 10 लाख 50 लाख रुपये भी दे दिए जाएँ तब भी हम ऐसे इलाके में नहीं रह सकते, उस इलाके में वो लोग रह रहे हैं और उन पर जो बर्बरता हो रही है उस पर हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। एक साहब हमें मिले थे, बुजुर्ग थे काफी, उनकी उम्र 80 साल वगैरह थी, उन्होंने कहा था 1978 में मैंने इसी धौलपुर के जो पास में स्कूल में एक पोलिंग बूथ है वहां पे मैंने वोट किया था। तो ये इविक्शन तो नहीं था, और ये इसलिए भी इविक्शन नहीं था क्योंकि अगर इविक्शन था तो उससे पहले जो नोटिस की बात उन्होंने बताई कि 10 तारीख का नोटिस 20 तारीख को दिया गया, अगर एविक्शन करना था या उनको लगता है सरकार को कि वो हमारी जगह है तो जो लोग 40 साल से बाहर रह रहे हैं उनको कुछ वक्त दिया जाता। अगर एविक्शन था और उनको लगता है सरकार को कि ये हमारी जगह है तो उनकी बिलोंगिंग्स को नहीं जलाया जाता। वो ऐसी जगह है जहां पर हर 4 महीने 5 महीने में पानी भर जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि वो लोग 40 साल से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका पक्का मकान नहीं है क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसे ही बाढ़ उस इलाके में आती है और वहां पूरे पूरे के पूरे घर बह जाते हैं। तो 40 साल में उन्होंने कोशिश भी नहीं की हम यहाँ पक्का मकान बनवाएं। तो उन लोगों
जो जनरेटर पंप्स होते हैं पानी बनाने के लिए, तो सब लोगों ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह वहां पे जनरेटर के पंप्स खरीद रखे थे। अगर एविक्शन था तो उन पंप्स को क्यों आग लगाई गई? आप वीडियो देख सकते हैं, आप शायद कुछ लोगों ने देखी हो, कुछ साथी हमारे भी आपको वीडियो दे देंगे। उस वीडियो में उनके चावल, उनके जो घर में जो छोटा छोटा सामान था, उस सबको भी ला ला के जो है आग लगाई जा रही है। और एक इसका बड़ा, मुझे लगता है फरार भी उस पर बात करेंगे, लेकिन एक इसका बड़ा गेम ये है कि वो बहुत फर्टाइल लैंड है। वहां पे पूरे गुवाहाटी के अंदर जो सब्जियां जाती हैं वो धौलपुर 1, 2, 3 के लोग पहुंचाते हैं, और यही उनका लाइवलीहुड है और इसी से वो अपना घर चलाते हैं। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से वो जमीन एविक्ट करके कुछ लोगों को, आप देश भर में सब जानते हैं कि किनको एयरपोर्ट से लेके और टॉयलेट तक का ठेका दिया जा रहा है।